हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, जो आरआरबी एनटीपीसी का जो आंसर किया था वो आउट हो चुका है। आपको किस तरह एनटीपीसी का आंसर की देखना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा आपको कैसे चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र में। देखिए, जैसा कि ये क्रोम ब्राउज़र है, आपको क्रोम ब्राउज़र में क्लिक करना है। तो देखिए, क्रोम ब्राउज़र में आप सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में क्लिक करिएगा, ऐसा इंटरफेस आएगा। उसका सर्च बार में आप क्लिक करिएगा, आपको दिख रहा होगा ये पूरा सर्च बार है। ठीक है, आपको सर्च बार में टाइप करना है। देखिए, सर्च बार में आपने क्लिक किया और यहाँ टाइप करिए www. ठीक है, RRB। इसके बाद आप कुछ भी, कोई भी जोन ले सकते हैं, कोलकाता, पटना, ठीक है, मुंबई, अहमदाबाद, कोई भी जोन आप लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आ चुका है RRBKolkata.government.in, आप कुछ भी आए आप पूरा टाइप कर दीजिएगा। इसमें मेरा टाइप किया हुआ पहले से था इसीलिए आ गया। इसमें मैं क्लिक करूँगा इस तरह। ठीक है, चलिए, इसमें जैसे क्लिक करेंगे इस तरह खुलेगा इंटरफेस। सबसे ऊपर में लिखा हुआ RRBKolkata, ये वाला जो RRBKolkata लिखा हुआ, आपको इसी में अब क्लिक करना है। तो आप जैसे इसमें क्लिक करिएगा, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, अब इस तरह का इंटरफेस में आपको सबसे ऊपर वाला भाग को देखना है, मतलब कौन जगह में, इस जगह में देखिएगा आप ध्यान से, है ना। इस जगह में आएगा कुछ लिखा हुआ, तो इस जगह में जो ये आ रहा है ना, द व्यू क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स एंड आंसर की, आप इसमें क्लिक हेयर कर दीजिएगा। जो ये क्लिक हेयर है, उसमें क्लिक करने के साथ आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर आएगा। आपको सबसे पहले इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा मिलेगा, उसके बाद DDMMYYY लिखा हुआ। ठीक है, इसका मतलब आपको यहाँ डेट अपना डालना है, डेट ऑफ बर्थ का, इसमें मंथ डालना है। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसमें अपना डेट डालना है, इसमें मंथ लिखना है और इसमें ईयर। तो आपको लिखना कैसे है, तो आप यहाँ जब क्लिक करिएगा इस तरह खुल कर आ जाएगा। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब इसी तरह यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आपको बताता हूँ, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा। ठीक है, चलिए, जैसा कि इसके बाद हम लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर क्लिक करिए, रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालिए। मैं रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालता हूँ। देखिए, जैसे ही आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन में क्लिक कर लेना है आपको। ठीक है, आप जैसे ही लॉगिन में क्लिक करिएगा, इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, उम्मीदवार का नाम आएगा, पिता का नाम आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना क्या है, कैंडिडेट डिटेल्स के बाद ये ऑल जो दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा होगा ये ऑल लिखा हुआ, यहाँ आपको यहाँ क्लिक करना है। तो ऑल में आप क्लिक करिएगा तो इस तरह आएगा कैंडिडेट रिस्पॉन्स, आपको यहाँ दिख रहा होगा कैंडिडेट रिस्पॉन्स। तो आपको कैंडिडेट रिस्पॉन्स में क्लिक करना है। आप जैसे ही कैंडिडेट रिस्पॉन्स में आप क्लिक करिएगा, आपको इस तरह का इंटरफेस खुल कर आएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है हेयर, है ना, आपको इस हेयर में क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करिएगा, आपके सामने ऐसा रजिस्ट्रेशन नंबर खुलकर, आपका पूरा आंसर की खुलकर आ जाएगा। उसके बाद आप चेक करिएगा आसानी से, जितना भी यहाँ पर ग्रीन वाला जो दिया गया है ये आंसर सही है, और यहाँ पर बताया गया आप कौन सा ऑप्शन आपने बनाया था एग्जाम में। तो यहाँ जैसा लिखा है जूज ऑप्शन फोर, और यहाँ भी टिक मारा हुआ है ऑप्शन फोर में ग्रीन, यानी आपका आंसर सही है, मैच खा गया। जैसे इसमें फोर नंबर क्वेश्चन के आंसर पे ऑप्शन पे टिक है, और आपने यहाँ पर क्या किया है, चूज एन ऑप्शन वन, तो आपका ये आंसर गलत है। आपने एक नंबर बनाया है लेकिन सही आंसर क्या है, चार नंबर। ठीक है, तो इसी तरह आप अपना पूरा आंसर की चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी तरह का वीडियो मैं आपके सामने लाते रहूँगा। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।